हाय, स्वागत है आप सभी का आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग में मैं टैरो का इस्तेमाल करूंगी और साथ ही साथ पेंडुलम का, जिसके ऊपर कुछ चैनल मैसेजेस लिखे हुए हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। मैंने रिसेंटली सेकेंड चैनल क्रिएट किया है गाइस, माँ सरस्वती की कृपा से, और कल ही मैंने उसके ऊपर पहली वीडियो को अपलोड किया है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उस वीडियो को, उस चैनल को भी प्यार दें। आपको उसका सारी इन्फॉर्मेशन, लिंक जो है सेकेंड चैनल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो मंथली एनर्जी रीडिंग है जनवरी की, और जो ईयरली 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, हाय, तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। शफल कर लेते हैं वृषभ राशि टॉरस साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच टॉरस, वृषभ राशि, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, परफेक्ट, शून्य, थैंक यू। किंग ऑफ वांड्स, वाओ, आई थिंक ये पहली रीडिंग है जिसमें पहला कार्ड किंग ऑफ वांड्स का निकला है। किंग ऑफ वांड्स क्या कह रहा है यहाँ पर? मशाल इसके हाथ में है, माने कि डिसीजन लेने की पावर। इसे पता है कि इसका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है। बैकग्राउंड यहाँ पर क्या है? इसकी साधना, इसके विचार, इसका रूटीन, ये किस फिलॉसफी में विश्वास रखता है, ब्लैक मैजिक में विश्वास रखता है या व्हाइट मैजिक में, ईश्वर में विश्वास है इसका, इसीलिए इसे पता है कि ये सही दिशा में है और पावर उसके हाथ में है। इस हफ्ते आप बहुत लिशकेंगे, उसे हिंदी में, हम पंजाबी में कहते हैं कि लिशकदा पे आप बहुत, यू नो, ये जैसे आपकी नूर, जैसे कहते हैं कि चेहरे पर नूर, आपका ऑरा, लोग आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स दे सकते हैं। ऑल ऑफ अ सडन ऐसे आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपकी बहुत इज्जत कर रहे हैं, आपकी बात को, जो भी आप कह रहे हैं, आपकी बात को सुना जा रहा है, यू नो, वो सॉलिड पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, ऐसा कोई रोल अदा कर सकते हैं आप इस हफ्ते, आपकी बात को सुना जाएगा। किंग ऑफ वॉन्स वो है, किंग ऑफ, क्वीन ऑफ वॉन्स भी वही होती है जिनकी बात को सुना जाता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली पावर आपके हाथ में है, जो आप चाहेंगे वही होगा इस हफ्ते में। कोई मुझे मैनिपुलेशन होती हुई नजर नहीं आ रही। आपका बैकग्राउंड बहुत सॉलिड, इसके बिहाइंड में ना शेर है, शेर इसकी निगरानी कर रहा है और इसे इस बात की खबर है, इसे इस बात की खबर है कि हाँ, मेरा बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, मुझे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। तो ये सॉलिड चट्टान की तरह खड़ा है। डेफिनेटली बेहतरीन हफ्ता आपके आपके सामने। फोर ऑफ सोर्ड्स, मेडिटेशन, किसी की बैकग्राउंड सच में बहुत, किसी ने हीलिंग बहुत की है, इनर वर्क बहुत किया है, किसी के पास हाई प्रीस्टेस वाली ऊर्जा है, नॉलेज है कि हाँ, बोलो कम देखो ज़्यादा। आप बिना कुछ बातचीत किए ही ये बता सकते हैं कि ये शख्स कितना सच्चा है, कितना झूठा है। चैनल करना, क्योंकि आपने रिपेयर की है, ये रिपेयर का कार्ड होता है कि जो कुछ लॉस हुआ है हमारा, इंसानी जीवन का खेल है ना, चीज़ें जुड़ती जाती हैं, मिटती जाती हैं, जुड़ती जाती हैं, मिटती जाती हैं। तो जो कुछ मिटा है, जो लॉस आपने, जो लॉस हुआ आपका, आपने उसकी मरम्मत की, आपने उसकी रिपेयर की, रेस्ट की, मेडिटेशन करके या स्विच ऑफ करके कह लीजिए, सोशल मीडिया से दूर रहकर, अब उसकी वजह से बैटरी रिचार्ज है आपकी, और वही यहाँ पर ये किंग ऑफ वांड्स उसी स्थिति को दर्शा रहा है। खास करके किसी ने अपने हार्ट चक्रा पर बहुत काम किया है, हार्ट चक्रा की बहुत हीलिंग की है। हार्ट चक्रा किसके बारे में होता है? इमोशंस, एक्सक्यूज मी, बचपन के वोन्स कुछ लोग कैरी करते हैं अपनी जवानी तक, तो वो वैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाता है मन। कुछ लोग कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप में नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं, वो क्या करता है, वो पावर आपसे छीन लेता है, आपका कॉन्फिडेंस आपसे छीन लेता है। तो ऐसा कुछ भी अगर आपके साथ हुआ है, बचपन के घाव, जवानी के घाव, कोई किसी ने कोई बात कह दी आपको, अब शब्द बोल दिए, उसके छींटे, वो सब कुछ आपने जैसे हील किया है। अगर अभी तक आपने हील नहीं किया है, तो ये कार्ड कह रहे हैं कि अगर आप हीलिंग कर लेते हैं तो फिर आप इस स्थिति में होंगे मेरी जान। फिर ये समझ लो किंग ऑफ वॉन्स को कोई ना नहीं कह सकता, किंग ऑफ वॉन्स की बात सुनी जाती है, किंग ऑफ वॉन्स की इज्जत की जाती है, क्योंकि इसका ऑरा ही उस किस्म का है।
तो आप इस स्थिति में जा सकते हैं अगर आपने अगर अभी तक आपने हीलिंग नहीं की, लेकिन पहले हीलिंग, फोर ऑफ सोर्स मेडिटेशन का कार्ड होता है, तो मेडिटेशन से हीलिंग की जा सकती है। नाइन ऑफ सोर्स, यहाँ पर आपका रात का समय बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। आपका इस हफ्ते आप रात के समय क्या करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रात को सोने से पहले आधा घंटा कम से कम पहले फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद करें, मेडिटेशन करें, नाइट टाइम की जो प्रेयर होती है वो करें, और सारे दिन में जो हुआ है उस पूरी रूटीन पर रिफ्लेक्ट, उसको देखना कि हाँ आज पूरे दिन में क्या क्या हुआ, जो चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं उनके साथ पीस क्रिएट करके सोना। ये पीस क्रिएट करके सोना है, ये है कि उसी तांडव को साथ लेकर सो जाना। और जब ऐसा करते हैं तब नींद नहीं आती, नींद आए भी तो वो सुकून वाली नींद नहीं आएगी, वो परेशानी वाली, एंजाइटी अटैक। समझ रहे हो मेरी बात को? तो पीस क्रिएट करके ही रात को सोना है। तो रात का नाइट टाइम रूटीन आपके लिए वृषभ राशि इस पूरे हफ्ते में बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। रात को सोने से पहले कोई ना कोई अच्छा रूटीन, स्किन केयर रूटीन भी हो सकता है जो कि सेल्फ लव को प्रमोट करता है, तो स्किन केयर रूटीन को शामिल कीजिए। स्नान करके सोइए, उससे भी अच्छी गहरी नींद आती है। बेड अगर आपका साफ नहीं है तो मेक श्योर अपने बेड की सफाई करें, यहाँ पर उसके बारे में ही जानकारी है। टू ऑफ कप्स, प्यार रहेगा आपके इर्द गिर्द। अगर आपकी शादी है तो डेफिनेटली आपको ये भी गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने प्यार, अपने रिश्ते में थोड़ी सी और मिठास भरिए। जिनकी शादी हो चुकी है, रात का समय ऑब्वियसली उसके बारे में भी हो सकता है कि आपको अगर दूरी बन गई है तो थोड़ी सी और नज़दीकियाँ लेकर आइए। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके इर्द गिर्द प्यार की ऊर्जा रहेगी। आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आप सिंगल हैं तो क्यों हैं, मतलब आपको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे और रिश्ते हैं जो कि आपको प्यार की अनुभूति, प्यार की ऊर्जा देते रहेंगे। आपके माँ बाप, आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन, आपके रिश्ते नाते, आपके कुछ करीबी दोस्त, तो आपको सिंगल होने का वो अफसोस नहीं होगा। जो लोग प्यार को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि वो सिंगल से डबल हो जाए, अब डेफिनेटली वो ऊर्जा भी आपके लिए पॉसिबल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हीलिंग, कुछ चीज़ों को करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब चीज़ें करेक्ट होती हैं तभी करेक्ट एनर्जी भी मैनिफेस्ट होती है, और ये अच्छी ऊर्जा है, तो इसे मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ चीज़ों को करेक्ट करना होगा, ठीक है। टेम्परेंस की ऊर्जा डेफिनेटली यहाँ पर सोलमेट्स की ऊर्जा है, सोलमेट्स की ऊर्जा है। सोलमेट्स हमेशा प्यार का बंधन ही हो ये ज़रूरी नहीं, सोल फैमिली, सोल ट्राइब, सोलमेट इसीलिए होते हैं ताकि वो हमारे जीवन की गाड़ी को और बेहतर तरीके से चलाने में हमारी मदद करें, हमें एक जीवन के बेहतरीन पहलू से और जोड़ें, ग्रोथ लेकर आएं हमारे जीवन में। जहाँ पर हमारे हमें मदद की ज़रूरत है ये सोल ट्राइब खड़ा होता है। तो कुछ लोगों के लिए सोलमेट की ऊर्जा, सोल ट्राइब की ऊर्जा है, यहाँ पर यिन एंड यांग की ऊर्जा भी है, माने कि आपके अंदर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड है उस दोनों को हील करना, बैलेंस में लेकर आना अगर उसमें कोई भी तकलीफ चल रही है। एंजल्स की अनुपस्थिति भी आपको महसूस हो सकती है, यहाँ पर ये सफ़ेद क्रो, यहाँ पर वो ये विंग्स, डेफिनेटली आपके इर्द गिर्द बहुत सारे एंजल्स की अनुभूति, ऑर्ब्स नज़र आ सकते हैं आपको, फेदर्स नज़र आ सकते हैं, कैंडल्स जब भी आप जलाएंगे आपको अच्छा एहसास होगा, क्योंकि वाइट लाइट है, इससे वो अवेकनिंग नहीं कहूँगी, वो कनेक्शन महसूस होता है, अगर हम उस ऊर्जा में हों तो। ये सब चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी वॉन्ड को फाइनली ना गिरा देंगे, ये वो वॉन्ड है जहाँ पर आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, ये वो वॉन्ड है जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा आ जा फिर मैदान में, तुझे आर्गूमेंट करना है तो आ जा, ड्रामा करना है तो आ जा, लेकिन आप इसे अब छोड़ रहे हैं, आप ना इस सीमा को अब लांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अब और नहीं, क्योंकि बैलेंस रिस्टोर होगा इस हफ्ते। अगर आप करना चाहें, टू बी ऑनेस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो हमें सिर्फ रास्ता दिखाता है, कर्म हमें ही करना पड़ता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप इस सीमा को, इस कर्मिक साइकिल को भेद पाएंगे। ये कर्मा का कार्ड होता है, यहाँ पर भी इसके हाथ में वॉन्ड है लेकिन इसके बैकग्राउंड मजबूत है, यहां पर ये इसका बैकग्राउंड धुंधला है, इसलिए इसकी स्थिति कच्ची है, कमजोर है। और अगर आप इस स्थिति में हैं, आप इस बंधन से निकल सकते हैं अगर आप थोड़ी सी रेस्ट एंड रिपेयर करें, और फिर आपकी जो स्थिति है वो बहुत सॉलिड होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपके खास करके इर्द गिर्द रहेगी लायन स्पिरिट, एनिमल में वो आपका लायन स्पिरिट क्या है, जख्मी शेर कहते हैं कि शेर अगर जख्मी भी हो तब भी खतरनाक होता है,
जंगल का राजा शेर, समझते हैं ना आप, तो आपको भी वैसी ही ऊर्जा का एहसास करवाया जा सकता है। अगर आप जख्मी भी हैं, माने कि आप वाउंडेड सोल हैं, कह लीजिए बचपन की कोई दिक्कत है, जवानी की कोई दिक्कत है, जॉब की परेशानी, कुछ भी वाउंडेड वाउंड्स हैं आपके, उसको हील कीजिए, उसको एक नई दिशा में उस ऊर्जा को लेकर लगाएंगे अगर आप, तब ये जो मशाल जो रास्ता दिखा सकती है, यू नो, ये उसके बारे में, तो आप ऐसा कोई काम भी, कोई महारत भी हासिल कर सकते हैं। आई डोंट नो गाइस, ये सबसे ज्यादा मुझे यही कार्ड है अट्रैक्ट कर रहा है, फोर ऑफ सोर्स, रेस्ट एंड रिपेयर, रेस्ट एंड रिपेयर। पेंडुलम, चलिए देखते हैं पेंडुलम से। थैंक यू वृषभ, टॉरस साइन, थैंक यू वेरी मच। और ये अपना समय लेगा, तो धैर्य बनाए रखिए अपना। थैंक यू। इंटरेस्टिंग है ये स्प्रेड, काफी इंटरेस्टिंग है। एक्सटर्नल इंटरनल। चलिए देखते हैं। मेरी जान, सच मानिए ये गाइडेंस इतनी बार आई है, तुम कर सकते हो। आई थिंक ये कैप्रिकॉन की भी रीडिंग में था, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। इस बात को अगर आप समझ लें तो क्या बात, क्योंकि यहाँ ये बात आपके अंदर आत्मविश्वास को में वृद्धि करेगी, उसको भरेगी। जो काम इतना कठिन, पहाड़ जैसा भी है ना आपके सामने, उसको भी आप कहेंगे कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। अगर कोई कहे भी ना आपसे कि नहीं तुम नहीं कर सकते, आप उससे भी कह रहे हैं कि नहीं मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, अब तो मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। तो ये वैसी ऊर्जा है। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जब हम ये कहते हैं कि हाँ अब तो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, जब हमें पता हो कि हमें सपोर्ट किया जा रहा है। ये बैकग्राउंड, ये शेर, इस शेर को याद रखिएगा इस पूरे हफ्ते के दौरान, कि आपका बैकग्राउंड, आपके स्पिरिट गाइड, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके हक में है, सॉलिड बन के ना आपके बैकग्राउंड में आपके साथ साथ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपका आत्मविश्वास तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एक दिन उनका मुंह खुद अपने आप बंद हो जाएगा, बस आप अपना काम करते रहिए, ठीक है। तो रीडिंग को ख़त्म करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहूँगी। जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा, मेरा सेकंड चैनल शून्य क्रिएट्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर मैंने पहली वीडियो अपलोड कर दी है। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे वहाँ पर भी सहयोग करें, और कॉन्फिडेंस आएगा मेरे अंदर कि मैं और कॉन्टेंट को क्रिएट करूँ, ठीक है। तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो देख लीजिएगा। और अब मैं चलती हूँ, ये आपकी है वीकली रीडिंग, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।